दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को पटना बिहार में हुआ था। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के पति का नाम जाहिद इकबाल है और इनके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, माता का नाम पूनम सिन्हा है। आइए जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा की फिल्मोग्राफी के बारे में। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 2010 में फिल्म दबंग से हुई थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, सोनू सूद, विनोद खन्ना, माही गिल और महेश मांजरेकर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था राबड़ी राठौर। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेश गनात्रा, यशपाल शर्मा, गुरदीप कोहली, नासर और सुप्रीत रेड्डी लीड रोल में थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जोकर। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा लांबा, श्रेयस तलपड़े, गुरप्रीत कुगी, दर्शन जरीवाला और असरानी थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सन ऑफ सरदार। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, जूही चावला, बिंदु दारा सिंह, मुकुल देव, सलमान खान और अर्जुन बाजवा थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दबंग 2। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, माही गिल, प्रकाश राज, विनोद खन्ना और नितिन धीर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लुटेरा। इस फिल्म की स्टारकास्ट में रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण चंदा, विक्रांत मैसी, आसिफ जकारिया, आदिल हुसैन और दिव्या दत्ता थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2013 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, इमरान खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनाली बिंद्रे, महेश मांजरेकर और अभिमन्यु सिंह थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म भी 2013 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बुलेट राजा। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, जिम्मी शेरगल, चंकी पांडे, विश्वजीत प्रधान और राज बब्बर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2013 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आर राजकुमार। इस फिल्म की स्टारकास्ट में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद, आशीष विद्यार्थी, मुकुल देव, रघुमुद्री, श्रीहरी और असरानी थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हॉलीडे। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, फ्रीडी दारूवाला, सुमित राघवन, गोविंदा, जाकिर हुसैन और रणधीर राय थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2014 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक्शन जैक्सन। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, जामी गौतम, मनासवी मंगल, कुणाल रॉय कापुर, आनंद राज और पूर्व राजकुमार थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। सोनाक्षी सिन्हा की अगली फिल्म 2014 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था लिंगारा। इस फिल्म की स्टारकास्ट में रजनीकांत, अनुष्का शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, जगपति बाबू और सुनांतम कुरुणाकरण थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तेवर। इस फिल्म की स्टारकास्ट में अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज वाजपेयी, महेंद्र मवाती, गुंजन मल्होत्रा और राज बब्बर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अकीरा। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, कोंकण सेन शर्मा, अनुराग कश्यप, राय लक्ष्मी, अमित साध और उर्मिला महंता थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फोर्स 2। इस फिल्म की स्टारकास्ट में जॉन इब्राहिम, सोनाक्षी सिन्हा, ताहिर राजभासिंग, नरेंद्र झा, आदिल हुसैन और विक्रम कपाड़िया थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था नूर। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, कांकन गिल, शिवानी दंदेकर, पूर्व कोहली, मनीषा चौधरी, सुचित्रा पिल्लई और एम के राणा। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था इत्तेफाक। इस फिल्म की स्टारकास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय खन्ना, सोनाक्षी सिन्हा, मंदिरा बेदी, समीर शर्मा और सुनीता तिनसिन्हा थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी।
अगली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था वेलकम टू न्यूयॉर्क। इस फिल्म की स्टार कास्ट में दलजीत दोसांझ, सोनाक्षी सिन्हा, करण जौहर, रितेश देशमुख, बोमन ईरानी, लारा दत्ता, सुशांत सिंह राजपूत और राणा दुग्गुबाती थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था हैप्पी फिर भाग जाएगी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, डायना पेंटी, जिमी शेरगल, अली फैजल, पीयूष मिश्रा, जस्सी गिल और प्रेक्षित खुराना थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कलंक। इस फिल्म की स्टार कास्ट में माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और कुणाल खेमू थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था खानदानी शफाखाना। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, बादशाह, वरुण शर्मा, अनु कपूर, कुलभूषण खरबंदा और राजेश शर्मा थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म भी 2019 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मिशन मंगल। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी, नित्या मेनन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय कपूर थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म भी 2019 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था लाल कप्तान। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सैफ अली खान, दीपक डोरियाल, जोया हुसैन, मनु विज और नीरज का भी थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म भी 2019 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था दबंग 3। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, किच्चा सुदीप, अरवाज खान, साई मंजरेकर, डिंपल कपाड़िया और नवाब शाह थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था भुज। इस फिल्म की स्टार कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नौरा फतेही, शरद कालकर, एमी बिर्क और एहाना ढिल्लों थे। यह फिल्म OTT हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। अगली फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था XXL। इस फिल्म की स्टार कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, जाहिर इकबाल और मात राघवेंद्रा थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बड़े मियां छोटे मियां। इस फिल्म की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज, सुकुमारन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मनुषी चिल्लर, कपूर अलाया, सोनाक्षी सिन्हा और रौनक रॉय थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म एक वेब सीरीज थी, इस फिल्म का नाम था हीरा मंडी। यह 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में मनीषा कोरेला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, हैदरी रिचा, चडा, संजीदा शेख, शर्मन सहगल, मेहता और तारा शाह बुदशा थे और ये एक वेब सीरीज थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सोनाक्षी सिन्हा की फिल्मोग्राफी पर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको इस चैनल में मिलते ही रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,